देखो बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे सुबह में होने वाली बातचीत। आप सुबह सो के उठते हैं? सो के उठ के फ्रेश वगैरह होते हैं या स्कूल आने की तैयारी करते हैं? तो सुबह में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, वाक्य हैं जो हम अपने घर पे बात करते हैं? ठीक है, तो देखिए उसी का कलेक्शन है। तो सुबह में हम लोग क्या क्या बात करते हैं उसका हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यानी कि छोटे छोटे वाक्य आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला है, उठ करके किसी का गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग क्या है जी? गुड मॉर्निंग, इसका मतलब तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। शुभ प्रभात। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप यानी कि आप सोए ही रह जाते हैं तो मम्मी कभी बोलती है कि उठ जाओ, बहुत सवेरा हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, ऐसा बोलती है मम्मी? हाँ, तो बोलते कि उठ जाओ, यानी कि उसको बोलेंगे हम अंग्रेजी में गेट अप। क्या बोलेंगे? गेट अप का मतलब क्या होता है? उठ जाए। बहुत बढ़िया। फिर है ब्रश योर टीथ। अब यहां देखो, ब्रश योर टीथ का मतलब हो गया कि अपना दांत साफ कर लो। क्या होगा? हाँ, जब उठ जाते हैं, आंख मुंह धोते हैं, तो मम्मी बोलते हैं कि चलो मुंह धो लो, मैंने कि ब्रश वगैरह कर लो, दांत साफ कर लो। तो वही होगा, ब्रश योर टीथ का मतलब अपना दांत साफ कर लो। फिर है वॉश योर फेस। और भी है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा ही धोते हैं ना, अपना मुंह ना धोते हैं। हाँ, तो वॉश योर फेस, वॉश योर फेस इसका मतलब हुआ अपना चेहरा धो लो। क्या हो जाएगा? या इसका ये भी मतलब हो जाएगा कि अपना मुंह धो लो। मुंह धोना का मतलब खाली मुंह धोते हैं कि पूरा धोते हैं? ठीक ना, तो वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो या अपना मुंह धो लो। फिर है टेक बाथ। टेक बाथ, नहा लो। क्या हो जाएगा? टेक बात का मतलब नहा लो। फिर है हरी अप। अब देखो नहीं कहते, अरे जल्दी करो, तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा, स्कूल लेट हो रहे हो, जल्दी करो। तो हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप का मतलब जल्दी करो। हरी अप क्या हो जाएगा? जल्दी करो। जल्दी करो। फिर है गेट रेडी। गेट रेडी क्या है? तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। क्या जी? स्कूल जाने के लिए मम्मी बोलती है कि तैयार हो जाओ, तो उसी को अंग्रेजी में बोलना हो तो हम बोलेंगे गेट रेडी। क्या बोलेंगे? फिर है ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? है ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो है ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता कर लो। क्या हो जाएगा? नाश्ता कर लो। फिर है क्लीन ईट। क्लीन ईट का मतलब हुआ इसे साफ करो। क्या हो जाएगा? क्लीन ईट, इसे साफ करो। आगे है गो टू स्कूल। स्कूल जाओ। क्या हो जाएगा? या विद्यालय चले जाओ। फिर है लुक हेयर। क्या है? इधर देखो या यहां देखो। तो लुक हेयर क्या हो जाएगा? जब आप स्कूल में चले जाते हैं तो क्लासरूम में आप इधर उधर देखते हैं तो टीचर नहीं बोलते हैं, ए किधर देख देख रहे हो, लुक हेयर मतलब यहां देखो या इधर देखो। ठीक है, तो लुक हेयर का मतलब इधर देखो या यहां देखो। फिर है वियर योर क्लोथ्स। अब देखो इसका मतलब हुआ अपना कपड़ा पहन लो। क्या हो जाएगा? वियर, वियर योर क्लोथ्स, अपना कपड़ा पहन लो। बी हैप्पी, खुश हो जाओ। क्या हो जाएगा? बी हैप्पी, खुश हो जाओ। फिर है से गुड बाय। क्या है? से गुड बाय, बाय बोलो। इसका मतलब हुआ बाय बोलो। कहीं आप किसी को घर पे छोड़ने जाते हैं या स्कूल से आते हैं तो मम्मी को बाय बोलते हैं, बाय मम्मी। तो ठीक है, से गुड बाय का मतलब हुआ बाय बोलो। फिर है डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब आप लोग बताएं क्या होता है? हिलो मत। फिर है एनीथिंग एल्स, और कुछ। एनीथिंग एल्स, और कुछ।
मतलब कि जब आप घर पे नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं तो मम्मी पूछती नहीं है कि और कुछ चाहिए, और कुछ खाया, दाल रोटी सब्जी भुजिया जो भी है और कुछ, तो उसको बोलते हैं एनीथिंग एल्स। आप क्लास में भी किसी को बोल सकते हैं, स्कूल में भी बोल सकते हैं, आप बोलते हैं हिंदी में कि और कुछ, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। बोलो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, क्या है व्हाट हैपेंड। अब व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, घर पे स्कूल में कोचिंग में ट्यूशन में कहीं भी किसी को बोलते हैं अरे क्या हुआ, क्या बोलते हैं क्या हुआ, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। फिर है ट्राई अगेन, क्या जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। आप कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, नहीं होता है तो कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं दोबारा कोशिश करो, यानी कि ट्राई अगेन, क्या हो जाएगा, ट्राई अगेन। आप किसी को फोन लगाते हैं, अब फोन नहीं लगता है तो क्या बोलता है कि जिस ग्राहक से आप बात करना चाहते हैं वह भी व्यस्त है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया दोबारा प्रयास करें या दोबारा कोशिश करें, बोलता है इसे, सुने हो, मोबाइल में बोलता है कि नहीं बोलता है, तो दोबारा कोशिश करो, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्राई अगेन, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बोल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको सुना दीजिएगा, मैंने कर लेना, भरोसा, ट्रस्ट, कल सुना देगा सब कोई, चलो गुड।